जय जिनेन्द्र बंधुओं, कल्याण मंदिर की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने समवसरण में स्थित जो अष्ट प्रातिहारे हैं उन अष्ट प्रातिहारियों का वर्णन जाना था, उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके बाद हमने पिछली कक्षा में समवसरण में स्थित जो तीन कोटे हैं वो तीनों कोटों की विशेषताओं के बारे में कि माणिक्य और सुवर्ण और चांदी से जो तीन कोटे बने हुए हैं उन तीनों कोटों को हमने जाना था कि वो तीन कोटे इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार से हमने पिछले पद्य में हमने जाना। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हुए भगवान के यश का वर्णन पढ़ते हैं। भगवान क्या यश क्या है, किस किस के द्वारा भगवान वंदनीय है, भगवान का क्या अतिशय है, इस पद्य को पढ़ने के लिए हम सर्वप्रथम उच्चारण से प्रारंभ करते हैं। दिव्य स्रजो जिन नमत त्रिदशाधिपानाम उत्सृजेरत नरचितानपि मौलिवन्धान पादौ स्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्संगमे सुमनसो नरमन्तैव। इस प्रकार से इसका उच्चारण है। आप उच्चारण का प्रयास करें और अपने उच्चारण को विशुद्ध बनाएं इस उच्चारण को सुन करके। अब हम यहाँ पर कहाँ संधि हो सकती है जिससे कि हमें अर्थ लगाने में सरलता, सारल्य और सौकर्य प्रतीत हो, इस हेतु से हम देखेंगे कहाँ कहाँ पद का विच्छेद हो सकता है। सर्वप्रथम दिव्य स्रजः, यहाँ पर जो ओकार है उसका विसर्ग हो जाएगा वहाँ पर, तो दिव्य स्रजः बचेगा। नमत त्रिदशाधिपानाम, नमत अलग है और त्रिदशाधिपानाम अलग है, इस प्रकार से नमत त्रिदशाधिपानाम ऐसा। फिर देखें आगे, रत्न उत्सृज्य अभी बचा है, उत्सृज्य नमत त्रिदशाधिपानाम उत्सृज्य निकलेगा। रत्न रचितान अपि, यहाँ पर भी संधि युक्त पद है, रत्न रचितान अपि इस प्रकार से, और मौली बंधान इत्यत्र यहाँ पर कोई संधि नहीं। भवतः यहाँ पर संधि है, नीचे तीसरी लाइन में देखें पादौ स्रयन्ति भवतः, यहाँ पर भवतः विसर्ग हो जाएगा। तत्संगमे, यहाँ पर कोई संधि नहीं। इस प्रकार से आगे देखें सुमनसः, यहाँ पर संधि है, सुमनसः बन जाएगा, उकार का विसर्ग हो जाएगा। रमन्त एव में, यहाँ पर संधि हो चुकी है और संधि हो जाने से एकार लुप्त हो चुका है यहाँ पर, इसलिए रमन्त एव हो चुका है, वास्तविक स्थिति थी रमन्ते एव ऐसी स्थिति थी, परंतु संधि हो जाने के कारण रमन्त एव हो चुका है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एक एक पद का हम पहले अर्थ जानेंगे, तदुपरांत अन्वय माध्यम से अर्थ जानते हुए भावार्थ की ओर अग्रसर होंगे। देखें दिव्य स्रजः, दिव्य होता है उत्कृष्ट, उत्तम, अत्यंत रोशनी से परिपूर्ण, उसको हम दिव्य बोलते हैं। उत्तम पुष्प, यहाँ पर ऐसा अर्थ निकलेगा, उत्तम उत्कृष्ट, शोभायमान, दीपित, इस ऐसा अर्थ निकलेगा दिव्य का। और स्रज, स्रक का अर्थ होता है माला, और स्रक स्रज उत्सृजः बहुत सारी मालाएं, तो दिव्य स्रजः अर्थात उत्कृष्ट उत्तम पुष्पों की मालाएं। जिनेन्द्र भगवान नमत नमन करते हुए, त्रिदशाधिपानाम का अर्थ है
त्रिदश बोलते हैं हम स्वर्ग को, और त्रिदश का जो अधिप है, अधिप बोलते हैं राजा, तो त्रिदश का जो अधिप है ऐसा त्रिदशाधिप। तो नमते हुए स्वर्ग के जो इंद्र हैं उनको, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो नमस्कार, नमन करते हुए इंद्रों के उत्सृज्य अर्थात छोड़ करके, रत्न रचितान अर्थात रत्नों से रचित अर्थात खचित, रचित का अर्थ निकलेगा खचित, जुड़े हुए रत्नों से, जुड़े हुए रत्नों से सहित मौलीबंधान, मौली बोलते हैं मौलीबंध अर्थात मुकुट, मुकुटों पर लगे हुए ऐसे मौलीबंध, तो मौलीबंध रत्नों से जो सहित है ऐसे मुकुटों को भी, इस प्रकार का अर्थ निकलेगा। पादौ अर्थात पाँव में, चरणों में, पैरों में, श्रयंती मतलब आश्रय लेते हैं, भवतः अर्थात आपके, यदि वा अर्थात अथवा, परत्र किसी अन्य जगह, अत्र मतलब यहाँ और परत्र मतलब किसी अन्य जगह, त्वत्संगमे तुम्हारा संगम होने पर, सुमनसः, सुमनसः का अर्थ होगा सुमन अर्थात फूल, और फूलों से जो बनी हुई हैं ऐसी फूल मालाएं, और एक सुमनसः का अर्थ होता है कोई उत्तम श्रेष्ठ ज्येष्ठ हृदय वाले, न रमन्ते एव, नहीं रमन्ते अर्थात रमण करते, एव अर्थात ही, नहीं रमण करते हैं, इसका मतलब निश्चय से ही रमण करते हैं, ऐसा अर्थ निकलेगा। पुनः जान लें, जिनेन्द्र, जिन अर्थात हे जिनेन्द्र भगवान, दिव्य सृजा अर्थात दिव्य पुष्पों की जो मालाएं हैं, और वह मालाएं नमत त्रिदशाधिपानाम अर्थात नमस्कार करते हुए इंद्रों के, जो रत्न रचितान अपि उत्सर्ज अर्थात छोड़ करके, रत्न रचितान अपि रत्नों से रचित है खचित है, जो ऐसे मौलीबंधों को भी अर्थात मुकुटों को भी, पादव अर्थात चरणों में, श्रेयंति आश्रय देते हैं, भवतः अर्थात आपके, यदि वा अथवा, परत्र अर्थात किसी अन्य जगह, त्वत्संगमे तुम्हारा संगम होने पर, सुमनसः अर्थात जो मालाएं हैं या पर जो उत्तम पुरुष हैं वो, न रमन्ते एव अर्थात रमण नहीं करते हैं, इस प्रकार से अर्थ निकला। अब हम इसका अन्वय जानते हुए फिर अर्थ पर विचार करते हैं। आइए अब हम इसका अन्वय पूर्वक अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। जिन दिव्य सृजः नमत त्रिदशाधिपानाम रत्न रचितानपि मौलीबंधान उत्सृज्य भवतः पादौ श्रयन्ति, यदि वा त्वत्संगमे सुमनसः परत्र नैव रमन्ते। जिन हे जिनेन्द्र भगवान, दिव्यस्रजः, दिव्य हमने आपको बताया था उत्कृष्ट, प्रभा से युक्त, सुंदर, ऐसे पुष्पों की जो स्रज अर्थात मालाएं हैं, तो ऐसे दिव्यस्रजः अर्थात दिव्य उत्तम उत्तम पुष्पों की जो मालाएं हैं, उन मालाएं वह डली हैं देवों के गले में, तो दिव्य सृज अर्थात दिव्य पुष्पों की जो मालाएं हैं वो नमत त्रिदशाधिपानाम, नमन करते हुए त्रिदशाधि, त्रिदश अर्थात स्वर्ग और त्रिदश का जो अधिप है ऐसा त्रिदशाधिप, तो नमन करते हुए इंद्रों के, त्रिदश का अधिप जो है वो इंद्र, तो कहा नमन करते हुए उन इंद्रों के, रत्न रचितान अपि मौलीबंधान, रत्नों से रचित है जो उनका मौलीबंध अर्थात मुकुट, तो रत्नों से खचित है जिनका जो मुकुट, ऐसे उन मुकुटों को उत्सृज्य छोड़ करके, त्याग करके, भवतः पादौ श्रयन्ति, आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। कौन? वह मालाएं, वह मालाएं आपके चरण कमलों का आश्रय लेती हैं। ठीक ही है कि त्वत संगमे, यदि वासे यहाँ पर हमें यह मानना है कि हाँ वास्तविकता है
कि त्वत् संगमे, आपका संगम हो जाने पर, आपकी प्राप्ति हो जाने पर, आपका सान्निध्य मिल जाने पर, सुमन सह अर्थात जो सुमन की मालाएं हैं, पुष्पों की मालाएं हैं, अथवा जिनका हृदय अत्यंत कोमल है, ऐसे कोमल हृदय वाले मनुष्य परत्र नैव रमन्ते, परत्र अर्थात दूसरी जगह नैव रमन्ते, रमण नहीं करते हैं अर्थात रुकते नहीं हैं, कहीं और उनका मन नहीं लगता है, ऐसा अर्थ यहाँ पर द्योतित होता है। पुनः एक बार अन्वय के माध्यम से जान करके इसमें भावार्थ की अपेक्षा जानेंगे क्या विशिष्ट है। जिन हे जिनेन्द्र भगवान, दिव्य सृजा, दिव्य अर्थात उत्तम, उत्तम सृ अर्थात मालाएँ, तो वह मालाएँ हैं पुष्पों की, तो दिव्य सृज अर्थात उत्तम उत्तम पुष्पों की जो मालाएं हैं, और नमत्रिदशाधिपानाम, उन मालाओं को पहने हुए जो नमत्रिदशाधिप हैं अर्थात नमन करते हुए जो इंद्र हैं, उन इंद्रों के रत्न रचितान अपनी मौली बंधान, ऊपर जो रत्नों से खचित मुकुट है, वो मुकुटों को भी वो मालाएं छोड़ करके भवतः उत्सर्ज अर्थात छोड़ करके भवतः पादौ श्रेयन्ति, तुम्हारे आपके पाद अर्थात चरण में चरण कमलों का आश्रयन्ति अर्थात आश्रय लेते हैं। ठीक ही है, वास्तविक है, यदि वा त्वत्संग में आपका समागम हो जाने पर, आपके मिल जाने पर, सुमन सह अर्थात जो पुष्पों की मालाएं हैं, अथवा जो पुष्पों के समान जिनका हृदय है, ऐसे मनुष्य परत्र नैव रमन्ते, दूसरी जगह रमण नहीं करते हैं, दूसरी जगह वास नहीं करते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ कि हे जिनेन्द्र भगवान, जो देवलोग हैं, जो इंद्रलोग हैं, वो माला पहने हैं, और कैसी माला पहने हैं, उत्तम उत्तम माला पहने हैं। देखें, जब भी जन्म होता है देवों का, तो देवों का जन्म उपाद जन्म कहलाता है, हमारा जन्म गर्भ जन्म कहलाता है, हम गर्भ से उत्पन्न होते हैं, और देव उपपाद जन्म होता है अर्थात एक शैया विशिष्ट होती है उनकी उपपाद शैया, वहाँ से उनका जन्म होता है, और जब जन्म होता है तो वह उत्तम उत्तम अलंकार पहने हुए ही उनका जन्म होता है, अर्थात जैसे ही वह उनको उत्तम उत्तम अलंकार धारण किए हुए ही वह पैदा होते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। तो इतने श्रेष्ठ वह इंद्रों के गले में जो माला है अर्थात इतने उत्तम उत्तम माला है जो उनके गले में, वो माला आपके चरणों का आश्रय ले लेती है। कब ले लेती है? जब इंद्र लोग आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, तो नमस्कार करते समय अब वह माला जो वो मुकुट पहने थे, वो मुकुट के मुकुट से भी बाहर आ रही है, अर्थात पूर्णतः ऐसी होकर के नीचे की ओर आपके पादों का आश्रय ले रही है। और वास्तविकता भी है कि अगर आपका समागम हो जाए, अगर आप मिल जाएं, तो हे जिनेन्द्र भगवान, ऐसा कौन व्यक्ति होगा कि दूसरी जगह रमण करेगा, अर्थात जैसे पुष्प मालाएं उनके गले में से उतर करके उनके पाद में अर्थात उनके पैरों में आश्रय ले रही हैं, उसी प्रकार हे जिनेन्द्र भगवान, जो मनुष्य हैं, वह मनुष्य भी जब आपका आश्रय मिल जाता है तो अन्य किसी जगह नहीं भटकते हैं, अपितु आपके ही चरणों का आश्रय लेते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार के भाव यहाँ पर वर्णित हैं। देखें, वास्तविक यही है कि जिनेन्द्र भगवान महान है, जिनेन्द्र भगवान की कथा महान है, जिनेन्द्र भगवान हमारे लिए अत्यंत पूजनीय हैं, और ऐसे जिनेन्द्र भगवान जो कि हमें संसार से पार लगाने वाले हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान का आखिर कौन व्यक्ति ऐसा होगा कि जिसको आश्रय मिल जाए और वह आश्रय छोड़ दे, ऐसा इस जगत में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। हम भी देखते हैं व्यवहार में कि अगर हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाला है, हमारा हित करने वाला है, जो हमारा हितकारी पुरुष है, उस हितकारी पुरुष को हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो सोचें जो साक्षात हित को करने वाला है, जो साक्षात मोक्ष को प्रदान करने वाला है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान का साथ हम कैसे छोड़ सकते हैं, ऐसी भावना का यहाँ पर वर्णन किया गया है, और यह सभी इंद्रों के द्वारा वंदनीय है, इस प्रकार की अभिव्यक्ति भी यहाँ से प्रतीत होती है। इस प्रकार से हमने इस श्लोक के माध्यम से जाना कि आपका आश्रय लेने के लिए अच्छे अच्छे लोग तरसते हैं, और जब आपका आश्रय मिल जाता है तो वे आपके आश्रय को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप भव सिंधु से उनको पार लगाने वाले हैं। इस
लिए कोई भी आपके आश्रय को छोड़ना नहीं चाहता है। इस प्रकार की भावनाओं के साथ हम भी जिनेंद्र भगवान के चरणों में इतने तल्लीन हो जाएं कि बस अब उनको ही टकटकी लगा करके देखते रहें और उनको देख करके अपने कर्मों का क्षय करते रहें, ऐसी भावना के साथ पार्श्वनाथ भगवान की जय। अगले पद्य के साथ पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र बंधु।